हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई 84 की स्लैशर एक्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं टाई वेज, जिन्हें आप जानते होंगे कैबिन फीवर 2 से। मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि ये थोड़ी अलग है और इसका एक सरप्राइज प्रीक्वल भी आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, साथ ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। इस वीडियो में आपको हर एक चीज जानने को मिलेगी, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1979 में। हम देखते हैं एक शेरिफ को जो कि क्राइम सीन पर आया है। वहाँ कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जो कि बता रही हैं कि यहाँ पर एक मैसेकर हुआ है। वो अंदर जाता है तो टीवी ऑन था और उसमें चल रहा था एक प्रोग्राम, जिसमें हम देख पाते हैं क्रिश्चियन प्रीचर को, जो कि बता रहा था कि उसकी बेटी भी पाप की दुनिया में चली गई। शेरिफ बड़े ध्यान से सुन रहा था, तभी डेप्टी वहाँ पर आता है और उसे ले जाता है नीचे बेसमेंट में, जहाँ जाते ही उसके होश उड़ गए थे। यहाँ क्या हुआ उसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 24 घंटे पीछे। हम देखते हैं मैक्सीन नाम की लड़की को, जो कि ड्रग्स ले रही थी। ये अडल्ट मूवीज में काम करती है, जिन्हें बनाता है इसका बॉयफ्रेंड वेन, और उसके मुताबिक ये स्पेशल है क्योंकि इसके फेस के एक साइड पर कई सारे फ्रैकल्स हैं। इनकी कंपनी का नाम आप देख सकते हो। फिलहाल ये जा रहे हैं टेक्सास के एक विलेज में एक और मूवी शूट करने, क्योंकि वो लोकेशन इन्हें काफी सस्ते में मिल गई। अब ये लो बजट में अच्छी खासी मूवी शूट कर पाएंगे। वैन में है वेन, मैक्सीन, इनका कैमरामैन आरजे, जो कि एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाना चाहता है, उसकी गर्लफ्रेंड और हेल्पर लॉरेन, जिसका रोल किया है जेना ओर्टेगा ने, जिन्हें आपने अभी स्क्रीन में देखा था, बॉबी और जैक्सन। जैक्सन लीड एक्टर है और मैक्सीन और बॉबी लीड एक्ट्रेसेस। इन सब के ही सपने बड़े हैं, सभी हॉलीवुड में अपना नाम बनाना चाहते हैं और इन्हें उम्मीद है कि इस बार जो फिल्म ये शूट करेंगे उससे इनका काम बन जाएगा। यहाँ पूरी टेक्सास चेंसो मैसेकर वाइब आ रही है और अब नाम लिया ही है तो वो सीधा जाकर रुकते हैं गैस स्टेशन पर अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए। यहाँ भी मैक्सीन वेन से कह रही थी कि वो फेमस और अमीर बनना चाहती है, बदले में वेन कहता है कि थोड़ा सब्र करो, जैसा कि वो हमेशा कहता है। मैक्सीन सालों से इसके साथ है इस उम्मीद में कि वो एक स्टार बनेगी, लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसे आरजे की गर्लफ्रेंड लोरेन पसंद नहीं क्योंकि वो घूरने के अलावा कुछ भी नहीं करती और इसे पसंद नहीं कि कोई इसे घूरे। हम देखते हैं कि स्टोर पर कई सारे पोस्टर्स लगे हुए थे लैंड रेंट पर देने के लिए, यानी कि यहाँ लैंड की कोई डिमांड नहीं है, इसलिए इन्हें काफी सस्ते दामों पर शूटिंग की लोकेशन मिल गई। साथ ही वहाँ पर मिसिंग पर्सन्स के भी नोटिस हैं। यहाँ भी टीवी पर वही प्रोग्राम चल रहा है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब सारा सामान लेकर वो स्टोर से आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि रोड पर थोड़ा जाम था, क्योंकि एक ट्रक ने कैटल को उड़ाकर बुरी तरह उसके चिथड़े कर दिए थे। उसे देखकर मैक्सीन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे खून खराबा पसंद नहीं। खैर वो सब आगे बढ़कर पहुंच जाते अपनी मंजिल तक। विन दरवाजे पर जाकर आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। काफी देर बाद अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो इसे नहीं पहचान रहा। विन कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी, तब जाकर उस घर का ओनर बाहर आया, जिसका नाम है हावर्ड, और ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। उसने विन पर गन तान दी, जिसे देखकर वो बिल्कुल सहम गया। हावर्ड को लग रहा था कि उसकी प्रॉपर्टी में ताक झांक कर रहा है, और ये देखकर मैक्सीन भी गाड़ी में से गन निकाल कर बाकियों को अलर्ट कर रही थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वेन ने बड़ी मुश्किल से उसे सब कुछ याद दिला दिया। वो गन नीचे करता है और अब जाकर वेन की जान में जान आई। वो सब कार से उतर जाते हैं और मैक्सीन देखते है कि कोई लेडी उन्हें ऊपर से देख रही थी, जो कि है हावर्ड की वाइफ पर्ल। हावर्ड उन सबको उनके कैबिन तक ले आया, लेकिन वो कुछ उखड़ा हुआ लग रहा था क्योंकि वेन ने उसे नहीं बताया कि ये सब भी उसके साथ आएंगे। वो उन्हें घूर रहा था, स्पेशली मैक्सीन को। तभी वेन डील से थोड़े ज्यादा पैसे दे देता है, जिससे वो मान गया। वो कहता है कि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, इसलिए यहाँ से कहीं भी मत जाना और ना ही शोर करना। ये सुनकर हम समझ गए कि वेन ने हावर्ड को नहीं बताया कि वो अडल्ट मूवी शूट करने आए हैं, और यही घातक साबित हो सकता है। हावर्ड का रवैया मैक्सीन को ठीक नहीं लगा। जैक्सन कहता है कि बूढ़े लोग ऐसे ही होते हैं। वो बताता है कि जब वो वियतनाम वॉर में था, तब कई बार फार्मर्स ने उसके ऊपर गन तानी थी। लॉरेन वेन से पूछते हैं कि क्या वो हमारे यहाँ आने का पर्पस जानता है। वेन कहता है कि नहीं, और ना ही उसे जानना चाहिए। हावर्ड अपना ट्रक लेकर टाउन में चला जाता है और उसके जाते ही शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मूवी का नाम है फार्मर्स डॉटर्स। इतने में बॉबी का सीन शूट हो रहा था, मैक्सीन बाहर आती है स्मोक करने, और घूमते हुए वो पहुंच जाती है सामने वाली लेक तक। वो बैठकर हैंगआउट कर रही थी और कोई उसे पीछे से देख रहा था, जो कि है पर्ल। अब मैक्सीन पानी में कूद जाती है स्विमिंग करने। वो आराम से लेक में लेटी हुई थी, लेकिन लेक में उसके साथ एक मगरमच्छ भी मौजूद था, जिसके बारे में वो अनजान है। वो तैरते हुए किनारे तक जा रही थी और वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। किस्मत से वो टाइम रहते ऊपर आ गई, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। इधर इनकी शूटिंग खत्म हुई। पहला सीन सही रहा, इसलिए वेन काफी खुश है। वो आरजे को कह रहा है कि फिल्म देखकर लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी। पानी से बाहर निकलकर मैक्सीन वापस आ रही थी, तभी वो देखती है पर्ल को, जो कि घर के बाहर खड़ी होकर उसे बुला रही थी। मैक्सीन भी वहां पहुंच जाती है और घर की हालत देखकर लग नहीं रहा कि कोई इंसान यहां पर रहता होगा। पर्ल उसे लेमोनेड ऑफर करके अपने बारे में सब कुछ बता रही थी, और इसी का पैरेलल चल रहा है उस एडल्ट फिल्म में जो कि अभी शूट हो रही है। यह मूवी देखकर ही समझोगे।
खैर पर्ल बताती है कि अपने यंग दिनों में वो एक डांसर थी और हार्वर्ड आर्मी ऑफिसर था। उसने दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में अपनी कंट्री को सर्व किया और पर्ल यहाँ पर अकेली रही, यही वजह है इसके इस हाल की। वो कहती है कि मेरी जवानी कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। वो मैगजीन में अपने आप को देख रही थी। अब क्या आप बता सकते हो कि पर्ल कौन है? यह है मिया गौथ, वही एक्ट्रेस जो मैगजीन का रोल कर रही है। जी हाँ, ये दोनों एक ही एक्ट्रेस हैं, लेकिन देखकर बता पाना इम्पॉसिबल है। और यहाँ मिया की तारीफ तो करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही रोल में इनका काम लाजवाब है। इनकी एक्टिंग दोनों ही तरीके से आपको सेटिस्फाई कर रही है। खैर पर्ल मैगजीन की तरफ आकर्षित थी, वो उसे वियर्डली टच करती है जो कि उसे पसंद नहीं आता। तभी हार्वर्ड वापस आ जाता है और उसे देखकर पर्ल कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, यह हमारा सीक्रेट रहेगा। मैगजीन नहीं जानती कि वो क्या बात कर रही है, लेकिन वो जल्दी से भाग कर वहां से निकल जाती है। तभी उसे मिल जाता है वेन जो कि उसे ही ढूंढ रहा था क्योंकि अब उसका सीन शूट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वेन इसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी इससे पॉर्न फिल्म में काम करवा रहा है किसी और के साथ। अब हो सकता है कि ये काफी ओपन माइंडेड है या फिर शायद झूठा। हो सकता है कि ये सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहा है पैसा कमाने के लिए। यहाँ शूटिंग स्टार्ट हुई और उधर लेमोनेड देखकर हार्वर्ड को पता चल गया कि कोई उसके घर में आया था। पर्ल अपना मेकअप कर रही थी, लेकिन मेकअप किट देखकर लगता नहीं कि वो सफल हो पाएगी। इसका रूम भी काफी क्रीपी है, उसमें कई सारे डॉल्स हैं क्योंकि इसे बच्चा भी नहीं मिला। इसके कई डिजायर्स पूरे नहीं हुए जिनकी कमी इसके फेस पर दिखाई देती है। खैर तैयार होकर वो कैबिन पर पहुंच जाती है जहां मैगजीन का सीन शूट हो रहा था, और अब तो उसने भी छुपकर देख लिया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब ये हार्वर्ड को बता देगी जिस वजह से इनका काम खराब हो जाएगा। हालांकि वो खुद उस सीन में खो गई, मैगजीन की जगह वो खुद को इमेजिन कर रही थी, जिससे इसके इंटेंशन एकदम क्लियर हो गए। इसी तरह रात हो गई और इनका आज का दिन काफी सफल रहा, लेकिन क्या रात भी वैसी रहेगी ये कहना मुश्किल है। उधर हार्वर्ड गुस्से में था, पर्ल उसके करीब आ रही थी, लेकिन हार्वर्ड उसे दूर कर देता है क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट है, उसका दिल ज्यादा एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ एक और रीजन हमारे सामने आ गया पर्ल के इस बर्ताव का। इधर ये सब आराम से बैठकर रिलैक्स कर रहे थे और उधर पर्ल गम में डूबी हुई मिरर के आगे बैठी हुई थी। लॉरेन कुछ परेशान लग रही थी, इसलिए वेन वजह पूछता है तो वो बताती है कि तुम्हारा तरीका। ये मैगजीन के सीन के बारे में बात कर रही है। वो कहता है कि ये नॉर्मल है, भावनाओं में मत बहो क्योंकि ये रियल नहीं सिर्फ एक्टिंग है। जो भी हुआ वो बस काम का हिस्सा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लॉरेन की टेंशन थोड़ी कम हुई, लेकिन आरजे की बढ़ गई क्योंकि अब लॉरेन भी इस मूवी में एक सीन करना चाहती है, लेकिन आरजे इसके लिए तैयार नहीं। वो सीधा इनकार कर देता है, लेकिन लॉरेन ने तो परमिशन मांगी नहीं। आरजे कहता है कि फिल्म आधी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि व्हाट अबाउट साइको? ये बात कर रही है साइको मूवी की। अगर आपने मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो साइको की वीडियो का वेट करो क्योंकि मैं स्पॉइल तो नहीं करूंगा। खैर यह मामला काफी सीरियस हो गया था क्योंकि बाकी सब लॉरेन के साथ थे और आरजे अकेला। उसे मूवी शूट करना काफी भारी पड़ गया। वेन बाहर जाकर उसे समझाता है कि अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, अब वो नहीं रुकेगी। आरजे कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है। यहाँ वेन को बुरा लगना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि उन तीनों में से कोई भी अच्छी लड़की नहीं है, और यहाँ ये साबित हो गया कि अंदर जो कुछ भी ये बोल रहा था वो सब बकवास थी। इस फिल्म में सिचुएशन भी पैरेलल चल रही है। एक तरफ है पर्ल जिसकी जवानी घर में कैद होकर चली गई, और दूसरी तरफ है ये तीनों जो कि अपनी मर्जी से लाइफ जी रही हैं। एक साथ हमें दो टाइम पीरियड्स में फर्क दिखाया जा रहा है। खैर यहाँ जैक्सन और लॉरेन का सीन भी बन गया जिसे शूट किया खुद आरजे ने। बाकी सब तो आराम से सो गए थे, लेकिन उसकी नींद उड़ गई। उसे इतना दुख पहुंचा कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे। आखिर में उसने डिसाइड कर लिया कि वो उन सबको छोड़कर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन स्लैशर का कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करता। वो वैन लेकर निकल रहा था तभी सामने से दिखाई देती है पर्ल। वैन से उतरकर वो उसके पास जाता है उसका हालचाल पूछने, लेकिन वो तो उल्टा उसी से चिपकने लगी। ये सब काफी वियर्ड था, इसलिए आरजे उसे रोकता है, और ये उसे पसंद नहीं आता इसलिए वो एक चाकू सीधा उसके गले में घुसा देती है, और इतना ही काफी नहीं था। इसके बाद वो उसे लगातार स्टैब करती है जब तक कि उसकी गर्दन अलग नहीं हो जाती। यहाँ से मूवी ने गियर शिफ्ट कर लिया। जैसे मूवी चल रही थी उस हिसाब से इतनी वायलेंस तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ऊपर से आरजे को मारने के बाद वो उसकी डेड बॉडी के सामने नाच रही थी। अम्मिया ने सस्पीरिया में भी काम किया था जो कि एक डांस स्कूल पर बेस्ड है, और जो स्टेप्स यहाँ पर कर रही है वो उसी मूवी के हैं। अचानक आधी रात में लॉरेन की आंखें खुल जाती हैं और आरजे को वहां ना पाकर वो उसे ढूंढ रही थी। तभी उसके सामने आ जाता है वेन जिसने उसे पूरी तरह डरा दिया। लॉरेन उसे सब कुछ बता देती है और यहाँ वो दोनों लग जाते हैं उसे ढूंढने में। लॉरेन जाती है हार्वर्ड के घर की तरफ जहाँ हार्वर्ड ने उसे देख लिया। वो उससे आरजे के बारे में पूछती है और हार्वर्ड उससे अपनी वाइफ के बारे में, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के सवाल का जवाब नहीं जानते। इधर आरजे को ढूंढते हुए वेन पहुंच जाता है बाड़ में जहाँ उसका पैर पड़ जाता है वहां रखी एक कील पर। वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था तभी वो नोटिस करता है कि बाहर कोई घूम रहा है। दरवाजे में बने होल से वो एक एक करके बाहर देख रहा था, तभी एक होल में से पिचफोक निकलकर सीधा उसकी आंख में घुस जाता है, जिससे उसकी आंख बाहर आ गई और यहाँ वो भी चल बसा। थोड़ी देर बाद पर्ल वहां पर आती है और कंफर्म करने के लिए दो तीन बार पिचफोक घुसाकर चेक कर लेती है। इधर हार्वर्ड घर के अंदर आकर दूसरी टॉर्च ढूंढ रहा था जो कि उसे नहीं मिली। तब वो लॉरेन को कहता है कि बेसमेंट में एक टॉर्च रखी है, जाओ उसे उठाकर ले आओ, और वो भी पागलों की तरह नीचे चली गई। अब टॉर्च तो उसे मिल गई, लेकिन जब वो वापस आती है तो दरवाजा लॉक था। हार्वर्ड उसे कैद करके चला गया क्योंकि वो भी अपनी वाइफ के साथ मिला हुआ है।
वो वापस नीचे जाकर लाइट ऑन करती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि नीचे एक लाश पहले से लटकी हुई थी और उसकी हालत काफी खराब थी। उसे भी पर्ल नहीं मारा होगा कोऑपरेट ना करने पर। आवाज की वजह से जैक्सन भी जाग गया। वो फ्रिज से निकाल कर दूध पी रहा था और अगर आप ध्यान से देखो तो दूध के पैकेट पर उसी आदमी की फोटो है जिसकी लाश को भी हमने देखा। वो देखता है कि हावर्ड यहीं पर आ रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो कहता है कि मेरी वाइफ नहीं मिल रही। ये सुनते ही जैक्सन रेडी होकर उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल दिया और उसके जाते ही वहां पर पहुंच जाती है पर्ल। वो मैक्सिन के बगल में सोकर उसका फायदा उठा रही थी क्योंकि इसकी फेवरेट है। इधर हावर्ड जैक्सन को ले आया था उसी लेक तक और अब ये दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे, लेकिन हावर्ड के पास एक ही टॉर्च मौजूद है। वो जैक्सन को एलिगेटर्स के बारे में बता देता है लेकिन वो चिल था। वो एक मरीन था यानी वो चीजें ढूंढने में एक्सपर्ट है, वो उसे भी आसानी से ढूंढ लेगा, ये कहकर वो चल दिया। आगे उसे लेक में डूबी हुई एक कार मिलती है जो कि शायद उसी आदमी की होगी जिसकी लाश बेसमेंट में मौजूद है और ये रेफरेंस है साइको मूवी का जिसका जिक्र अभी हुआ था। उसमें नॉर्मन ऐसे ही कार को लेक में धकेल देता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो हावर्ड की टॉर्च वहीं पर गिरी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि हावर्ड किसी एलिगेटर का शिकार बन गया या फिर गिरकर डूब गया। वो पानी में उतरकर उसे ढूंढ रहा था तभी हावर्ड अचानक उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो डर गया। हावर्ड कहता है कि तुम जैसों की वजह से ही मेरी वाइफ के डिजायर बार बार जाग जाते हैं। पिछली बार भी एक आदमी यहाँ पर रुका था और शायद ये उसी की बात कर रहा है जो कि बेसमेंट में है। जैक्सन उसे शांत कर रहा था तभी वो शॉटगन से शूट करके उसे मौत के घाट उतार देता है लेक के घाट पर। यहाँ तीनों मेल्स मारे गए, अब बची हैं तीन फीमेल्स। ये तो कुछ नया है। इधर पर्ल अब भी मैक्सिन को सिड्यूस करने में लगी हुई थी तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और पर्ल को देखकर वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, जिससे बगल वाले रूम में मौजूद बॉबी भी जाग गई। वो बाहर आती है तो पर्ल वहां से बिना कपड़ों के निकल रही थी। वो मैक्सिन से मिलती है तो वो उसे सब कुछ बता देती है। इधर लॉरिन भी एक टूल की मदद से डोर का एक हिस्सा तोड़कर उसे खोलने का ट्राई कर रही थी तभी हावर्ड वहां आकर कई बार अटैक करके उसके हाथ का डिजाइन बदल देता है और अब ये कहीं भी नहीं जा पाएगी। अब हावर्ड आराम से बैठकर टीवी पर वही प्रोग्राम देख पाएगा। इसने अभी अभी एक आदमी को शूट किया, एक लड़की का हाथ तोड़ा, वो सिर्फ इसलिए ताकि ये शांति से टीवी देख सके। इसे कहते हैं असली थग लाइफ। इधर पर्ल का पीछा करते हुए बॉबी भी उस लेक तक पहुंच गई जहां वो ठंड में बिना कपड़ों के खड़ी थी। बॉबी उसे ढककर उसकी हेल्प कर रही थी और बदले में वो उसे काफी अच्छी चीज देती है जो कि था एक थप्पड़। यहाँ बॉबी भी चुप नहीं रहती क्योंकि हेल्प के बदले में थप्पड़ एक सही डील नहीं थी। वो कहते कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी लाइफ तुम जानो। इतना सुनते ही वो उसे पानी में धकेल देती है जहां एक एलिगेटर ने उसे पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड्स में बॉबी का भी खेल खत्म हो गया। हावर्ड भी वहां पहुंच जाता है। वो दोनों जाते हैं वापस कैबिन में और मैक्सिन भी वहीं पर थी। उन्हें आते देखकर वो जल्दी से छुप जाती है। हावर्ड कहता है कि चार मारे गए, अब बचे हैं सिर्फ दो, लेकिन पर्ल को इस सब में इंटरेस्ट नहीं, उसकी डिमांड अब भी वही है। हावर्ड उससे पूछता है कि क्या मेरा दिल इसे हैंडल कर पाएगा, तो वो कहते हैं कि हाँ। अब हावर्ड ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसकी हालत इससे देखी नहीं जा रही। उसे पर्ल की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। या उन दोनों का रोमांस शुरू हुआ और मैक्सिन छुपी हुई थी उसी बेड के नीचे। मौका देखकर बिना कोई आवाज किए वो बेड के नीचे से निकलकर भाग गई। बाहर निकलते उसे मिलती है आरजे की डेड बॉडी, लेकिन दुख मनाने का टाइम उसके पास नहीं था। उसे लॉरेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर उसे फ्री कर देती है, लेकिन वो उल्टा इसे ही सुनाने लगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं बचा। वो इसे भला बुरा कहकर बाहर की तरफ जा रही थी क्योंकि बाहर के हालात नहीं जानती। मैक्सिन उसे कहती है कि हमें साथ में रहना चाहिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है हॉरर मूवीज का, लेकिन वो कहां सुनेगी। वो दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर जाती है और बाहर निकलते ही हावर्ड शॉटगन से उसे हवा में उड़ा देता है और यहाँ उसका भी खेल खत्म। लेकिन मेन बात यह है कि हावर्ड रोमांस सर्वाइव कर गया। अब लॉरेन भी मर गई और मैक्सिन छुप गई। दोनों मिलकर उसकी डेड बॉडी को अंदर लेकर आ रहे थे, लेकिन उन दोनों से वो नहीं संभल रही। दोनों से नीचे रख रहे थे तभी अचानक उसका सर हिलता है जिससे हावर्ड डर जाता है और रोमांस तो ये सर्वाइव कर गया, लेकिन इस सरप्राइज को इसका दिल नहीं झेल पाया। उसे हार्ट अटैक आ रहा है। मौके का फायदा उठाकर मैक्सिन उनके ट्रक की चाबी लेकर अपनी पिस्टल पर्ल पर तान देती है और पर्ल उससे मदद मांग रही थी, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि इसके पांच साथियों को मार चुके हैं। उन दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही थी जो कि हद से ज्यादा सीरियस थी। कुछ तो ऐसा बचा है जो कि हम नहीं समझ रहे। पर्ल कहते हैं कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो, तुम्हें भी कुछ भी नहीं मिलेगा। बदले में वो कह रही थी कि मैं वो लाइफ नहीं जीऊंगी जो मुझे नहीं चाहिए, और सेम यही डायलॉग उस प्रोग्राम में भी चल रहा था। ऐसा लग रहा है मानो पर्ल उसका कोई सीक्रेट जानती हो। मैक्सिन उसे शूट करती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो पिस्टल में गोली नहीं थी। इतने में पर्ल शॉटगन उठाकर उल्टा उसे शूट कर देती है, जिससे मैक्सिन तो बच गई लेकिन फोर्स की वजह से वो खुद नहीं बच पाई। वो बाहर जाकर गिर गई और अब वोट नहीं पाएगी क्योंकि उसका हिप टूट गया। और मरने से पहले पर्ल उसे खरी खोटी सुना रही थी कि मैं सबको बता दूंगी और तुमसे भी सब कुछ छिन जाएगा। उसकी बकवास बंद करने के लिए मैक्सिन उस पर ट्रक चढ़ाकर उसका सर कुचल देती है और यहाँ फाइनली इसका सीक्रेट उसी के साथ चला गया। कहाँ तो इसे खून खराबा पसंद नहीं था और अब देखो ये कहाँ गई। ट्रक के नीचे आई कैटल को देखकर इसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन अब इसने सेम वैसे तरीके से एक औरत का सर कुचल डाला और इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैक्सिन वहां से निकल जाती है और हम फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि स्टार्टिंग वाले सीन पर।
टीवी पर अब भी वही प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्सिन उसी प्रीचर की बेटी है जिसका जिक्र उसने पहले किया था। उसने गलत रास्ता चुन लिया लेकिन उसके फादर को उम्मीद है कि वो जल्दी वापस लौटाएगी। इधर शेरिफ क्लूलेस है कि आखिर यहाँ हुआ क्या, किसने किसे मारा और क्यों मारा और कोई बचा भी या नहीं। खैर उन्हें आरजे का कैमरा मिल जाता है जिससे इनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बहुत ज़्यादा अलग और बेस्ट है, इस साल की बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है और क्या पता यहाँ से स्लैशर्स की एक नई वेव स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसमें भी सब कुछ नॉर्मली चल रहा था आम स्लैशर की तरह, लेकिन आम इसमें कुछ भी नहीं हुआ। हावर्ड जो कि मेन विलन लग रहा था वो अपनी वाइफ का गुलाम था, मेन विलन वो थी और वो भी ऐसी लग रही थी जैसे कि दुख की मारी हो, वो इतना कुछ कर देगी ये सोच पाना तो मुश्किल था। जितनी भी किल्स थी वो भी काफी यूनिक और अनएक्सपेक्टेड थी, और जो अचानक मरा वो भी ब्रूटली, सेम हुआ बॉबी के साथ और लॉरेन का तो क्या ही बताऊं। मूवी देखने वाले यही सोचते रह गए कि लॉरेन मेन कैरेक्टर है और यही बचेगी, लेकिन वो तो मेन के आसपास भी नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में रह गया वो है सीक्रेट। मैक्सिन का ऐसा क्या सीक्रेट है जो पर्ल जानती थी? आप कहोगे कि यही होगा कि वो स्पिरिचर की बेटी थी, लेकिन इतना सिंपल तो नहीं हो सकता। असली सीक्रेट है वेन का मर्डर। वेन को मैक्सिन ने मारा ना कि पर्ल ने। जब वेन और आरजे के बीच वो बातें हो रही थी तब मैक्सिन ने सब कुछ सुन लिया होगा, इसलिए वो समझ गई होगी कि इतने सालों से वेन उसे चीट कर रहा था सिर्फ अपनी मूवीज में इस्तेमाल करने और पैसा छापने के लिए। वो कोई स्टार नहीं बनने वाली, जिस पर भरोसा करके हॉलीवुड जाने की उम्मीद लगाए बैठी थी वो एक पल में ही टूट गई, बल्कि उल्टा वो इसे ही एक बेकार लड़की कह रहा था। तब मौका देखकर इसने वेन को मार डाला, इसलिए किलर हमें दिखाया नहीं गया और पर्ल तो वहाँ बाद में पहुंची। आते उसने पिचफोर्क से चेक भी किया लेकिन वेन पहले से डेड था। मैक्सिन ने बहुत ही कम टाइम में सब कुछ प्लान करके रेडी किया, वो कील भी उसी ने रास्ते में रखी थी। अभी ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सभी किल से पहले जब मैक्सिन और पर्ल पहली बार मिले थे तब भी पर्ल ने सीक्रेट की बात की थी, तो इस हिसाब से तो ये सारी बात इनवैलिड हो गई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो सीक्रेट था प्रीचर की बेटी वाला। पर्ल जानती होगी कि मैक्सिन प्रीचर की बेटी है क्योंकि वो प्रोग्राम देखती थी, लेकिन बाद में जिस सीक्रेट की बात हुई वो ये था क्योंकि यही सीक्रेट ऐसा है जो उसकी लाइफ बर्बाद कर देता, इसलिए मैक्सिन ने पर्ल को जिंदा नहीं छोड़ा। ये एक संभावना है और क्या पता मैं गलत हूँ, आप इसे एक थ्योरी समझ लो। बाकी अगर आपकी कोई थ्योरी है तो आप बता सकते हो। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहले बात करते हैं प्रीक्वल की। तो इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के टाइम पर जब टाई वेस्ट 2 हफ्तों के लिए मैंडेटरी क्वारंटीन में थे तब उस टाइम का यूज करके उन्होंने होटल में इसका प्रीक्वल लिख डाला जिसका नाम है पर्ल। जब एक्स की शूटिंग खत्म हुई तो टाई ने मिया से पूछा क्या तुम थोड़ा और टाइम रुक कर पर्ल की शूटिंग स्टार्ट करना चाहोगी। अब क्योंकि सेट्स भी पहले से तैयार थे तो मिया भी रुक गई और ये दोनों फिल्में बैक टू बैक शूट हुई सरप्राइज के तौर पर। प्रीक्वल में हम जवान पर्ल को देखेंगे और उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रीक्वल भी इसी साल रिलीज होगा, तो हमें ज्यादा वेट नहीं करना होगा। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि पर्ल भी एक अच्छी खासी हॉरर कैरेक्टर बन जाएगी और एक काफी नाम कमाएगी। अब बात करते हैं इसके नाम एक्स के बारे में। एक्स रेफर करता है एक्स रेटिंग को जो कि MPAA यानी कि मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका देता था 1968 से 1990 के बीच में, बेसिकली अमेरिका का सेंसर बोर्ड। एक्स रेटिंग का मतलब था कि एक अडल्ट फिल्म है और अडल्ट फिल्म यानी कि कम ऑडियंस और कम पैसा। बेसिकली ये रेटिंग थी सेंसरशिप के लिए, लेकिन इसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ। एक्स रेटिंग के लिए आपको फिल्म सबमिट करने की जरूरत नहीं थी, आप खुद अपनी फिल्म को एक्स रेटिंग दो और थिएटर में रिलीज करो। मेन फिल्में जो एक्स रेटिंग के साथ रिलीज हुई थी वो थी क्लॉकवर्क ऑरेंज, फर्स्ट द कैट और लास्ट टैंगो इन पेरिस। अब 70s में पॉर्न इंडस्ट्री ने इसका पूरा फायदा उठाया, एक के बाद एक पॉर्न फिल्म थिएटर में रिलीज होने लगी, बस एक्स रेटिंग लगाओ और काम चल जाएगा। ये रेटिंग इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई कि एक टाइम ऐसा आया जब एक्स का मतलब हो गया पॉर्न, और तब थिएटर्स ने एक्स रेटिंग वाली मूवी लगाना बंद कर दिया। अगर आपको मूवी रिलीज करनी है तो उसे MPAA में सबमिट करो और सीन्स वगैरह काट के आर रेटिंग लो, तब जाकर थिएटर में लगेगी। इससे कई मूवीज का नुकसान हुआ, मेनली स्लैशर्स का, क्योंकि मेन सीन कटने लगे। तब 1990 में MPAA ने एक्स रेटिंग को रिप्लेस कर दिया NC-17 से। अब फर्क ये था कि ये रेटिंग आप खुद नहीं लगा सकते, आपको फिल्म सबमिट करनी पड़ेगी और MPAA खुद आपको ये रेटिंग देगा। लेकिन अगर आपको ये रेटिंग मिली तब भी कोई थिएटर मुश्किल से आपकी मूवी लगाएगा क्योंकि है तो ये एक्स ही। अब भी आर रेटिंग ही चलती है, आप चाहे कोई भी स्लैशर देख लो। इसमें कोई ओपनिंग क्रेडिट्स है ही नहीं, टाइटल भी एंड में जाकर आता है जो कि वही कार्ड है जो MPAA देता था। इसका टाइटल और पोस्टर सिमिलर है ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म एक्स नाइट ऑफ वेंजेंस से। इसे शूट किया गया न्यूजीलैंड में और एक किड क्यूडी की पहली हॉरर फिल्म है। ये दूसरी बार है जब मिया सेक्स के ऊपर बेस्ड एक मूवी में दिखाई दी, पहली थी निम्फोमेनियक वॉल्यूम 2। फार्मर्स डॉटर्स नाम की सच में एक अडल्ट फिल्म आई थी 1976 में, और वो फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें स्पॉल्डिंग ग्रे भी हैं जो कि आगे चलकर एक मेनस्ट्रीम राइटर और एक्टर बन गए। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें बॉबी का फेट दिखा दिया गया था कि मगरमच्छ उसे मारेगा, ऐसे ही औरों का भी। जैसे कि वेन कहता है कि हमारी मूवी देखकर लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी, आगे उसकी खुद की आंख बाहर आ गई। जैक्सन कई बार बोलता है कि जब वो वियतनाम वॉर में था तो फार्मर्स ने कई बार उसे गन से डराया और आगे जाकर हावर्ड ने उसे गन से मारा। स्लैशर्स का एक रूल है कि जो लोग वर्जिन होते हैं वही बसते हैं, या जो भी हॉर्नी लोग होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, लेकिन इसमें उल्टा था। नॉर्थ अमेरिका में इस मूवी के एंड होने के बाद पर्ल का टीजर भी दिखाया गया लेकिन हमें तो देखने को नहीं मिला। ये फिल्म सेट है 1979 में और इसमें मिल कार्टन्स पर मिसिंग पर्सन को दिखाया गया जबकि कैंपेन स्टार्ट हुआ था 1984 में। ये मूवी अब तक कमा चुकी है $12.5 मिलियन। इसका बॉडी काउंट है 8।
तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और आपको मूवी कैसी लगी या आपके क्या विचार हैं आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई थ्योरी है तो वो भी बता देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको एक्साइट कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।